हैदराबाद से आए हुए हमारी मुखलिसों की टीम के सरबराह जनाब भाई मंजूर साहब, इंजीनियर साहब और दिगर रफका, मीडिया के अच्छे साथियों और एमआईएम के सभी दोस्तों और मेरे अजीजी भाई दीपक जी, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं कोचाधामी की सरजमीन के लोगों, मैं आपके एहसानात का शुक्रिया किस लफ्ज में अदा करूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं, डरता हूं और घबराता हूं, न बड़े दौलतमंद का बेटा रहा, न मेरे बाजू में वो ताकत रही जालिमों की कि मुझसे कोई घबराया। मेरी खाकसारी कहिए, मेरी गरीबी कहिए या सच्चाई कहिए या सदाकत कहिए, जो खिदमत हमने की है उस पर हमको आपने जर्रे को आफ्ताब बनाकर जिला परिषद के एमएलए से, जिला परिषद से लेकर एमएलए तक और एमपी के इलेक्शन में भी किशनगंज जिला में जीत हासिल करने में सबसे नुमाया रोल अगर अदा किया तो कोचाधामन की सरजमीन ने किया। अमोर बैसा से आए हुए हाफिज गनी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुखिया इफ्तखार साहब भी मौजूद हैं, तकलीफ न हो, इस सरजमीन ने मुझे पहचाना और आप लोगों ने मुझे गले लगाया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ, आप जितने मुश्ताक हैं और जितने बेताब हैं अपने लीडर को सुनने के लिए, मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए भी बेकरार रहती हैं और कान सुनने के लिए भी बेचैन रहता है, लेकिन कुछ दर्द की दास्तान है जो सुना देना लाजिमी समझता हूँ। मेरे भाइयों, इस वक्त एमएलए के जिम्मे जो काम होता है, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और तरक्की के काम होते हैं। गवाही दे दो, ये सड़क जो सामने में चलती है, गाड़ियां दौड़ती हैं, इसको पीडब्ल्यूडी में जाने का मेरे जमाने में नोटिफिकेशन हुआ, मजबूतीकरण मेरे जमाने में हुआ। ये जो देख रहे हो सामने में बगलबारी का पुल टूटा था तो लोगों ने कहा था कि 6 महीने के अंदर न बना तो अख्तुल ईमान के असेंबली के लिए भी जाना मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगहों के पुल टूटे थे, नटवापाड़ा में 3 साल तक नहीं बने थे, अख्तुल ईमान ने 3 महीने में इसका काम शुरू करा के आपको दिखा दिया था। परिहारपुर का देख लो, दाती का पुल देख लो, नरकली हाट का पुल देख लो, पुल पुलिया देखो, या एक साथ कैबिनेट करके 30 हाईस्कूल बनाने का देखो, या 2012 में बिजली का जो यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है ग्रिड, उसको देख लो। तो मैं समझता हूं कि मेरे कामों पर पानी फेरने की जो दलाल लोग कोशिश करते हैं, आपकी सदाकत की आंखों से वो काम छुपे हुए नहीं रह सकते। लोगों, एक काम और है जो असल काम है कि आप कानून दो जगह बनता है, पार्लियामेंट और असेंबली में। असेंबली में जब फिरकावाराना कानून बना और वहां से चोर दरवाजे से जब इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, हमारी गंगा जमनी तहजीब को मिटाने के लिए कुछ बेईमानों ने हमारे बच्चों को मुश्रिकाना प्रोग्राम के लिए सूरज नमस्कार का वो फरमान जारी किया, तो आपके इसी बेटे ने लड़कर पूरे बिहार के बच्चों के मासूम जहन में शिर्क से बचाने का काम किया, वो भी आपको याद होगा। मेरा यकीन है ये सही धर्म का मजहब है, सारे धर्मों को अपने धर्मों के आदर्श का पालन करना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। हम सनातन धर्म हो या बौद्धिज्म हो या ईसाइज्म हो, हम उसका आदर करते हैं और मुसलमान होने की हैसियत से अपने मजहब का पालन करते हैं। यही सेकुलरिज्म है, इसकी आवाज आपके बेटे ने उठाई है। मुल्क इस वक्त दोराहे पे खड़ा है, आया इस मुल्क में तमाम तो लोगों के मजहबी अकीदे बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस मुल्क में लोगों के अकीदे, लोगों के मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की है कि माजी की तरफ फिरो, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी आजादी की और आईन को बनाने में दस्तूर साज कमेटी के जिम्मेदारों ने जिस तरह से इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अकीदे की हिफाजत की है, आज मोदी और योगी की सरकार में इन चीजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे और आपके मोहसिन इंसानियत ने यह फरमान जारी किया है, जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, न हो तो जबान से टोको। गोंगों की औलादें बार बार ये कहती हैं कि बोलने से क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से तो सब कुछ होता है, ये मैं बार बार कह चुका हूं, दोहरा कर नहीं कहूंगा। ए गोंगे, तू जब हम पर इल्जाम भी लगाता है तो बोल ही कर लगाता है, नाच कर नहीं लगाता है, बोलने से यही होता है। लेकिन मसला यह है कि आज हम जहां जिस बात के लिए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इस मुल्क में जिस कौम की सियासी ताकत घटेगी, आजादी के वक्त हमारी मस्जिदें तोड़ी गई, मदरसे नजर आतिश किए गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे आलीशान मस्जिद और मदरसे हमने बना लिए, मैं इसका मुनकर नहीं हूं, लेकिन आज इनकी हिफाजत की जो जरूरत पड़ी है वो सिर्फ मुनाजात से नहीं होगी, मस्जिदों के दुआओं से नहीं होगी, मदरसे के दुआओं से नहीं होगी। जब तक पार्लियामेंट असेंबली में आपकी तवाना आवाज नहीं होगी, आप अपने इन अकीदत के मराकिज को तहफ्फुज़ नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आपकी लीडरशिप हो। दुनिया में जो कौम लीडरशिप पैदा करती है वो दुनिया में इज्जत के साथ रहती है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल आपको याद
خلاف ہوگا، تمہارا بچہ بچہ پنج وقتہ نہیں تہجد گزار ہو جائے، اگر تم کو سیاسی شعور نہ ملا تو تمہارے پنج وقتہ پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ لوگوں آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ آقا مدنی کی زندگی دیکھو، 53 سال تک دعوت دی، مٹھی بھر لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب مدینہ پہنچے تو دعوت ہی نہیں، دعوت کے ساتھ طاقت بھی تھی۔ طاقت کا حصول ایمان کا حصہ ہے، صدقہ دینا ایمان کا حصہ ہے، دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے۔ اس لیے اس ملک کے زمام کار میں اپنی موجودگی کو درسانا ہمارا اور آپ کا اخلاقی فریضہ ہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا دینی فریضہ بھی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ایوانوں میں ان لوگوں کو مت بھیجئے جو دوسرے کی پارٹیوں کی ٹکٹ کی بنیاد پر غلام بن جائے، بلکہ ووٹ آپ دے رہے ہیں تو آپ کا جو ترجمان بنے اس کو بھیجنے کی کوشش کیجئے، اور ملت کی جو ترجمانی، قوم کی جو ترجمانی بیرسٹر اسدالدین اویسی کر رہا ہے اور اس کے نقش پا میں چل کر اختر الایمان نے جو کوشش کی ہے، یقیناً کوچہ رحمان کے نوجوانوں تمہارا سینہ پھول جاتا ہوگا جب تم اسمبلی اور پارلیمنٹ کی داستان کو دیکھتے ہو۔ میں چاہتا ہوں صرف دو لفظ جو میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی دشمنی ہے، ہمارے لوگ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مقدمات میں پھنسائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک مضبوط ساتھی اسلم صاحب کا خون ہوا، اس سے پہلے سیوان میں عارف کا خون ہوا، اور ان ظالم طاقتوں کو کہہ دینا چاہتا ہو کہ تم نے ہمارے لوگوں کا خون کیا ہے، خون شہیدہ کبھی رائے گا نہ جائے گا، اور یقین ہے کہ تمہارے ناپاک تمناؤں کا خون ضرور ہوگا۔ جب بھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو ضائع نہیں ہوتا، بس تو انقلاب پھوٹتا ہے۔ یقیناً ہے ہم نے دیکھا ہے زمانے کو، بہت ساری آزمائش کو دیکھا ہے، ہم اس سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم قیادت سے رک جائیں گے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، گردن جھکا کر جینے والا غلام ہوتا ہے۔ جب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے دادا پولیس ایکشن کے بعد اپنی قیادت کو کھڑی کرنے کے لیے حیدرآباد میں آواز لگا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے عبدالواحد اویسی جو بچے ہیں اس کو بھی مرواؤ گے، عبدالواحد اویسی نے کہا سنو، مصلحت کی چادر اوڑھ کر گردن جھکا کر جینے لو تو غلام بھی جی لیتا ہے، اگر اس طرح جیو گے تو تمہاری نسلوں سے غلام جنم لے گا۔ گردن اٹھا کر جیو، اگر گردن کٹ بھی جائے گی تو تمہاری نسلوں سے سردار جنم لے گا۔ قول کتنا سچا ہے، قوم کا سردار ان کے لفظوں کی عکاسی آج ہماری محفل میں کر رہا ہے۔ کیا سیمانچل کے لوگوں اپنی صفوں میں اپنی قیادت کھڑی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مثالوں سے کہا ہے، زانو کٹ جائے زندہ ہے زید، زندہ ہے بکر، زندہ ہے رامو، بازو کٹ جائے زندہ ہے زید، زندہ ہے رامو، لیکن گردن کٹ جائے تو زید نہیں ہے، رامو نہیں ہے، اس کی لاش ہے۔ جس طرح جسم میں گردن ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، قوم کی زندگی کے لیے بھی قیادت ضروری ہے۔ جس قوم کا کوئی قائد نہیں وہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا زندہ رہنا چاہتے ہو یا لاش بننا چاہتے ہو؟ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کیا ہو گیا، یادو کا نیتا کون ہے بتاؤ؟ کون ہے یادو کا نیتا؟ کرمی کا نیتا کون ہے؟ مچھوارے کا نیتا کون ہے؟ ملہ کا، پاسبان کا نیتا کون ہے؟ ان دلالوں کے بچوں کو کہہ دو جو کہتا ہے کہ بی جے پی کا ووٹ کٹوا، بی جے پی کو جتانے کے لیے ووٹ کٹوا ہے، ان دلالوں کے بچوں کو کہو کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کو مجلس اتحاد اس کو کونے میں رکھ دو، بتاؤ تمہارا نیتا کون ہے؟ یقیناً اگر بیرسٹر اسدالدین اویسی نہ ہو تو پھر ہمیں کہنے کے لیے کوئی بھی نیتا ہمارے صفوں میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کچھ کی بازی لگا سکتے ہیں، اپنے گردن کی بازی نہیں لگا سکتے۔ ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، بدن پہ کپڑے نہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قیادت کسی ظالم کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اسی تحریک کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، اسی تحریک کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے، اسی تحریک کا نام اس خادم اختر الایمان ہے۔ میرے بھائیوں، وزارت کی کرسیاں لینے کے لیے دلالوں کے بچے تڑپ رہے ہیں، دلالوں کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، دلالوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ مچھلی جس طرح پانی کے بغیر تڑپتی ہے، تڑپ رہی ہے، سڑک پر وصولی کرنے والے، لوگوں کے بچوں کو بگاڑنے والے، چوری اور گنڈاگردی کو بڑھاوا دینے والے۔ اختر الایمان 70 مرتبہ ہارنا پسند کر سکتا ہے، اپنے نوجوانوں کی تقدیر سے کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو تو آسمان کی بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں آؤ، تمہاری غیرت کی قسم، غیرت نہ ہو زندگی میں تو کتا ہے انسان۔ یہ کتے کو گوشت کا ٹکڑا دکھاؤ، ڈنڈا دکھاؤ، 100 بار دکھاؤ، آئے گا اور بھاگ جائے گا۔ لیکن ایک انسان کئی دنوں سے بھوکا ہے، دسترخوان میں اس کے ابا کے خلاف کچھ بول دو، ان کے ضمیر کے خلاف کچھ بول دو، بھوکے مر جانا گوارا کرے گا لیکن دسترخوان سے نوالا نہیں اٹھائے گا۔ یہی غیرت ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے
कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हमारी सफों में बाज औरत नहीं है जो कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को गोद में लेगी। चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत क्यादत हमारे आगोश में है। अब उसके अलावा हमारी नजरें किसी की पेशानी को देखने के लिए गवारा नहीं करती हैं। इसी का नाम है, ये बिहार के हमारे सिवान के भाई आए, भागलपुर के भाई आए, नवादा के भाई आए हुए हैं, गया के भाई आए हुए हैं। पूछ लो इनसे, वो आपसे यही कहने के लिए आए हैं, ऐसे हिमाचल की सरजमीन के लोगों, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, यहां से अगर अपनी कयादत खड़ी करोगे तो सिर्फ ये जो सायादार दरख्त खड़ा होगा सीमांचल को नहीं, बिहार के मजलूमों को भी इससे साया नसीब होगा। उनकी दुआओं को, उनकी तमन्नाओं को रद्द होने नहीं देना है। और मैं अभी दिल्ली तो नहीं गया था, बंबई गया था, सूरत गया था, मैंने अपने परदेसी नौजवानों को देखा। ए परदेसी नौजवानों, मेरा सलाम तुम तक पहुंचे। मैंने परदेश में जितने चकरिया नौजवानों को देखा, बच्चों को मजदूर देखा, होटलों में काम करते देखा, बॉम्बे में जो इस्तकबाल किया है, जो उन लोगों ने गुजरात के कई शहरों में हमारा इस्तकबाल किया है, उन बच्चों को दर्द है कि वो बच्चे घर से बाहर हैं और उनको लगता है कि मेरा कायद होना कितना जरूरी है। और आज मैं उसे कहता हूं, ये प्रदेश में रहने वाले मुसाफिर नौजवान खुदाई फौज है जिसकी पूरी हमायत एमआईएम को हासिल है। आइए एक बार अहद कीजिए रहमत पारा की सरजमीन में, जहां बहादुरों की सरजमीन है। इस सरजमीन से हमारा इनकलाबी नारा उठे और इस वक्त जालिमों के महलों को जलजला बर्पा कर दे। कांग्रेस के नुमाइंदे को देखा है, इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, मैं उनके बारे में क्या कहूं। मरे हुए को मारना अच्छा नहीं है, उनके लिए एक ही बात कह दो कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मयसर नहीं होता कान को रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। यह फैसला आपने कर लिया है। आइए एक अहम बात जिसकी तरफ हमारे कायद इशारा करेंगे। अभी जाति गन्ना हुआ है और जाति गन्ना में जो तस्वीर सामने में आई है वो बहुत ही शर्मनाक है। और वो दास्तान जुर्म है नीतीश की, दास्तान जुर्म है राजद की, दास्तान जुर्म है कांग्रेस की। 13 करोड़ के बिहार में इस वक्त सरकारी नौकरियां 20,49,000 है। टैक्स का पैसा हमारा, मेरा बच्चा नौकर नहीं बनेगा, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी टीचर में बहाली हुई है तो बाप मां का सीना चौड़ा हो गया है, लेकिन बीडीओ नहीं बनेगा मेरा बेटा, सीओ नहीं बनेगा, डीएम नहीं बनेगा। इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया, दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सिर्फ हमें गर्दन पर तलवार चलाने का खौफ दिखाकर हमारा सौदा किया है। आज देख लो तस्वीर क्या है। तस्वीर यह है कि इस 20,49,000 में दलित भाइयों की, एससी एसटी की, जिनको भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिलाया, गांधी के हरिजन जो थे, गांधी ने जिसको आगे उठाया, उसकी नौकरी 4,11,000 होती है। इन बेईमानों ने इनकी 1,20,000 नौकरी खत्म कर दी, सिर्फ 2,91,000 नौकरी दी। मेरे बरमन भाई चतुर है, भूमिहार भाई चतुर है, मैं उनको ताना नहीं देता, उनके लीडरों ने मुंह पर चप्पी नहीं बांधी। उनके लीडरों ने कहा मेरी आबादी है, पढ़ेगी लिखेगी, कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा। आज उनके लीडरों ने उनके इलाके को तब्दील किया। बरमन भाई की आबादी 47 लाख, नौकरी में हिस्सा 74,000, मिली उनको नौकरी 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सा 58,000, नौकरी मिली 1,87,000। कुर्मी भाई की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी की बिरादरी की 58,000, मिली 1,18,000। मुसलमानों, जिसको कहा माई का समीकरण, यादव भाइयों ने भी नौकरी में हिस्सेदारी, उनकी 1,86,00,000 आबादी 14%, नौकरी में आबादी उनकी हिस्सेदारी 2,92,000, 2,90,000 तो उसने ले लिया। मैं पूछता हूं राजद के लोगों से, वाई को तो हिस्सा मिल गया, माई को क्या मिला? माई को आपने बाई बाई कह दिया, तो अब की बार माई ने भी आपको बाई बाई कह देने का इरादा बना लिया है। कितना मिला हमको? हमारा हिस्सा होता 3,68,000, मिली नौकरी 1,73,000। बोलो ज्यादा मिली या कम? आधी या आधी से कम? तो क्या उन लोगों से बदला लोगों की नहीं जिन्होंने हमारे 1,95,000 की नौकरी छीन ली? उनके हाथों से तख्त छीनोगी कि नहीं? उन जालिमों का पंजा मरोड़ोगे कि नहीं? अगर पंजा मरोड़ना चाहते हो तो तय कर लो सुरजापुरी भाइयों, तुम्हारी आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000, मिली नौकरी 15,000। कितनी नौकरी गई? 24,000। भाई नूर इस्लाम साहब, मेरे सिरसा भाई भाई हो,
आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 21,000, मिली कितनी 5,500। कुलैया भाई आबादी कितनी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 18,000, मिली कितनी 6,000। जिसने हमारे नस्लों के साथ नुकसान पहुंचाया है, नस्लों के साथ नाइंसाफी किया है, अगर उससे बदला लेना चाहते हो तो हम बंदूक उठाने नहीं कहेंगे, हम बैलोट चलाने नहीं कहेंगे। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट। आपका वोट जालिमों के खिलाफ मजलूमों के हक में होना चाहिए। अख्तुल ईमान ने मौलाना के नाम पर कुर्बानी दी थी, 19 में कश्ती किनारे में डूबी है। इस वक्त अख्तुल ईमान फरियादी नहीं, आपके नस्लों की मुस्तकबल की फरियाद है। एक मरतबा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दीजिए और उसके लिए अभी से फिजा बनाइए। दुश्मनी हमारे बहुत लोग करेंगे। 2015 में नीतीश कुमार जी ने पीके प्रशांत किशोर जी से कहा था कोई भी जीत करा जाए अख्तुल ईमान नहीं आना चाहिए, लेकिन अख्तुल ईमान की जीत को आप रोक नहीं सके। एक को रोकना चाहता, 5 के साथ पहुंचा। और आज जालिम ताकतों को कह देना चाहता हूं, मेरी तारीख शाहिद है कि फिरौन ने घर घर पर पहरा लगा दिया था कि कोई बच्चा जन्म ले तो उसे कत्ल कर दो, बच्ची हो तो जिंदा रहने दो, लेकिन मूसा की पैदाइश और परवरिश को कोई नहीं रोक सका। अगर ऊपर वाले ने अख्तुल ईमान के बारे में फैसला कर दिया है तुम लटक जाओगे, लेकिन सीमांचल के मजलूमों की आवाज पार्लियामेंट में जरूर पहुंचेगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जी रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम आदाब।